तो क्लिपअप्स के अंदर जो रेजिस्टर, डायोड और आपका बाइसिंग बैटरी होगी, उनका काम क्या है देखिए। जैसे ये आपका क्लिपअप सर्किट है, इसके अंदर रेजिस्टेंस आर, आर का जो एक्चुअली यहाँ पे काम है वो है करंट को लिमिट करना। क्यों? क्योंकि जब डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस में होगा तो कुछ करंट फ्लो होगी, और उस करंट की लिमिटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा करंट फ्लो होगी तो डायोड भी आपका डैमेज हो जाएगा। इसलिए करंट की जो रेटिंग है, डायोड की जो करंट रेटिंग है, उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक रेजिस्टेंस आर, ठीक है। और डायोड का काम क्या है यहाँ पे, डायोड का काम है एज ए स्विचिंग डिवाइस काम करना। तो स्विचिंग डिवाइस का कब ऑफ करना है, क्लिपिंग के लिए एक्चुअली इसको काम में ले रहे हैं यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस को। स्विचिंग डिवाइस में अपन डायोड के अलावा ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, तो उसको अपन ट्रांजिस्टर क्लिपर बोलेंगे, पर यहाँ पे अपन डायोड क्लिपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीजें, अगर आपने जो आउटपुट लिया है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लिया है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिया है, तो इस क्लिपर को हम बोलेंगे सीरीज क्लिपर। और अगर आपने आउटपुट जो लिया है वो डायोड के अक्रॉस लिया है, तो ऐसे क्लिपर्स को बोलेंगे शंट क्लिपर, ठीक है। ओके, तो आप क्लिपर को दो भागों में बांट सकते हैं, शंट क्लिपर और सीरीज क्लिपर। अब उसमें भी अब फर्दर डिवाइडेशन किस तरह से होता है देखिए, उसमें डिपेंड करता है डायोड की आपकी डायरेक्शन क्या रही है, उस डायरेक्शन से क्लिपिंग का जो पोर्शन है वो चेंज हो जाएगा। वो देखो कैसे, जैसे यहाँ पे एक शंट क्लिपर है क्योंकि हमने डायोड से आउटपुट लिया, तो ये शंट क्लिपर है, और डायोड की डायरेक्शन है अपर साइड है, जो करंट की डायरेक्शन डायोड में से वो ऊपर की साइड है। तो इस तरह का क्लिपर जैसे कैसे क्लिपिंग करेगा देखिए, मैं ये सारे जो सर्किट बना रखे हैं इनमें सब में इनपुट में मान रहा हूँ इनपुट वोल्टेज, साइनोसोडल वोल्टेज, जिसका मैक्सिमम वैल्यू है बी मैक्स और मिनिमम वैल्यू है बी मिनिमम। इस सिग्नल को मैं सारे सर्किट्स में इनपुट दूंगा और आउटपुट हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो माना कि सबसे पहले ये है आपका शंट क्लीपर, इसके अंदर मैंने इनपुट दिया ये वोल्टेज। तो सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज की जो पोलरिटी होगी वो इस तरीके से होगी, तो आपका जो डायोड है वो रिवर्स वाइज में होगा, और रिवर्स वाइज में होगा तो डायोड आपका हो जाएगा ओपन। तो आउटपुट जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, आपको इनपुट को फॉलो करेगा आउटपुट, ठीक है। आप कहेंगे कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं, अभी तो नहीं होगा, जब तक कि आप लोड कनेक्ट नहीं करोगे तब तक यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसलिए फिलहाल में क्या होगा, अगर यहाँ ओपन सर्किट है, ये भी ओपन सर्किट है, तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, आउटपुट पे मिलेगा आपको पूरा पूरा, ठीक। तो देखिए, जब आपका इनपुट में आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो आउटपुट वोल्टेज का जो अपन वेवफॉर्म बनाए, तो आउटपुट जो है कि पूरा पूरा इनपुट की तरह मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे आपका नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इससे डायोड आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज, और फॉरवर्ड वाइज होने से ये पूरा आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा, तो आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि दोनों आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट हो गए, तो वोल्टेज डिफरेंस जीरो हो गया, तो आउटपुट मिलेगा आपको जीरो। इसी तरह नेक्स्ट साइकिल के लिए मिलता रहेगा। तो ये एक सबसे बेसिक क्लिपर कह सकते हैं इसको, बेसिक शंट क्लिपर। इसमें आपने देखिए किया क्या है, इसने इनपुट जो वेवफॉर्म थी साइनोसोइडल वेवफॉर्म, उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको इसने क्लिप कर दिया। नेगेटिव पार्ट को जो क्लिपर क्लिप करेगा उसे कहेंगे नेगेटिव क्लिपर। अगर कोई क्लिपर किसी वेवफॉर्म के पॉजिटिव हिस्से को या पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप कर देता है, रिमूव कर देता है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव क्लिपर। तो ये शंट क्लिपर जो है ये किस तरीके का शंट क्लिपर है, नेगेटिव शंट क्लिपर। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इनपुट वेवफॉर्म के नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर दिया। इसी तरीके से अपन ये वाला सर्किट अगर लेते हैं, इसमें मैंने डायोड की डायरेक्शन उल्टा कर दिया। डायोड की डायरेक्शन उल्टा करने से देखेंगे कि जब इनपुट में यही वाला वोल्टेज में अप्लाई करूं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्लस माइनस, डायोड फॉरवर्ड वाइज और आउटपुट इज जीरो। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा तो आउटपुट इज फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट जीरो। और अगर डायोड में मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं इनपुट में, तो यहाँ नेगेटिव पोर्शन या और यहाँ पॉजिटिव, इस तरह से पोलरिटी होगी, तो डायोड आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो इनपुट आउटपुट जो है कि इनपुट को फॉलो करेगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जो इनपुट में है वही आउटपुट में मिल जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट साइकिल्स के लिए भी आपको ऐसे ही मिलेगा सेम टू सेम। तो ये हो गया आपके शंट क्लिपर, ये हो गया आपका
नेगेटिव शंट क्लिपर, ये हो गया आपका पॉजिटिव शंट क्लिपर। इसको पॉजिटिव शंट क्लिपर क्यों बोला, क्यों, क्योंकि इसने इनपुट में वेव फॉर्म का जो पॉजिटिव पोर्शन था उसको क्लिप कर दिया, आउटपुट में सिर्फ नेगेटिव भाग मिला। इसी तरीके से अगर आपने आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिया है तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज क्लिपर। अब देखते हैं ये किस तरह का सीरीज क्लिपर है। इनपुट में अपन ने यही वोल्टेज सिग्नल ले लिया है तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ प्लस और माइनस, डायोड फॉरवर्ड बायस में, डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ले रहे हो आप, यहाँ इनपुट है और ये शॉर्ट है तो आपका आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया। एक चीज ध्यान रहे कि अपन जितने भी सर्किट यहाँ बनाए हैं मैंने, और यहाँ पे जो डायोड लिया है इसको हमें आइडियल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, कोई भी इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ठीक है, ना ही कोई इसका रेजिस्टेंस है, इस तरह से मान रहा हूँ। और रिवर्स बायस में मैं मान रहा हूँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस और नो करंट, ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल में थोड़ा अलग होता है, तो प्रैक्टिकल केस में अपन बाद में समझेंगे, पहले आइडियल डायोड से समझ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, देखिए फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए शॉर्ट सर्किट, तो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज फॉलो करेगा इनपुट को, तो क्योंकि तो आपको आउटपुट मिल जाएगा इस तरीके से। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी आएगी तो डायोड हो जाएगा रिवर्स वाइज, ये रिवर्स वाइज हो गया तो ये ओपन हो गया, और अगर ये ओपन हो गया तो आउटपुट में क्या मिलेगा बताइए। ठीक है रेजिस्टेंस बीच में है मगर कोई करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप जीरो, इट मीन्स जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, तो वोल्टेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो मिलेगा इसके लिए आपको, ठीक है, तो ये जीरो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, सिमिलरली नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ अब इसको अपन, ये आपका सीरीज क्लिपर है मगर कौन सा सीरीज क्लिपर है, क्योंकि इसने क्या किया इनपुट में से नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर दिया, तो ये नेगेटिव सीरीज क्लिपर कहलाएगा, ठीक है। इस वाले में देखें, अगर इसमें मैंने वोल्टेज का फिर से इसमें डायरेक्शन अपोजिट कर दिया है, इसको डायरेक्शन अपोजिट करने से क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट की होगी उस टाइम पे आपका डायोड रिवर्स बायस में, तो ये ओपन और आउटपुट वोल्टेजेस, क्योंकि यहाँ पे जीरो वोल्टेज मिलेगा क्योंकि देयर इज नो करंट, ठीक है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा जीरो। और जैसे यहाँ पे इसको नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो माइनस प्लस इस तरह से पोलरिटी होगी, और डायोड हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट हो जाएगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज फॉलो करेगा किसको, इनपुट वोल्टेज को, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा सेम टू सेम इनपुट मिल जाएगा। इस तरह से भी आगे की नेक्स्ट साइकिल्स के लिए भी ऐसे सेम टू सेम, ठीक है। तो आपको ये चार जो क्लिपर मैंने आपको बताए, दो ये शंट क्लिपर है और दो सीरीज क्लिपर, ये चार आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है, जब भी, क्योंकि इसको देख के जो डायोड की डायरेक्शन है इसको देख के आपको पता चलना चाहिए कि पहली बात तो ये संट है या सीरीज है, और उसके बाद ये पता चलना चाहिए कि ये पॉजिटिव क्लिपर है या नेगेटिव क्लिपर है, ठीक है। जैसे संट क्लिपर है आपको याद होना चाहिए कि संट क्लिपर है, उसमें अगर डायोड की डायरेक्शन ऊपर है या अपर साइड में उसका डायरेक्शन है एरो का, तो ये होगा आपका नेगेटिव क्लिपर। अगर दूसरी लैंग्वेज में अपन याद करने के उद्देश्य से कह सकते हैं कि डायोड का डायरेक्शन या डायोड का मुंह जिस साइड में है, ऊपर की साइड में है, तो वो इनपुट के अपर पोर्शन को या ऊपर की साइड के पोर्शन को तो पास करेगा और नीचे वाले को कट कर देगा या क्लिप कर देगा, इस तरह से अपन याद रख सकते हैं। अगर इस क्लिपर में डायोड का डायरेक्शन नीचे है तो ये नीचे वाले इनपुट का जो इनपुट सिग्नल के नीचे वाले पोर्शन को तो पास करेगा और अपर साइड को क्लिप करेगा, कहने का मतलब ये, ठीक है, और रेफरेंस वोल्टेज मानेगा जीरो, कहने का मतलब है ये जीरो से ऊपर वाले को पास करेगा, जीरो वोल्टेज से नीचे वाले को क्लिप कर देगा, ये जीरो से नीचे वाले को पास करेगा, जीरो से अपर वाले को रिमूव कर देगा, हटा देगा, इस तरीके से। इसमें भी सेम टू सेम, अगर डायरेक्शन अपने वोल्टेज फ्लो की डायरेक्शन में है, इनपुट से आउटपुट डायरेक्शन में है डायोड की डायरेक्शन, तो ये होगा आपका नेगेटिव क्लिपर, ये याद रहे आपको, ठीक है। और अगर आपका डायोड का डायरेक्शन आउटपुट से इनपुट की तरफ है तो वो होगा आपका पॉजिटिव क्लिपर, ये थोड़ी चीज याद रखनी चाहिए आपको पड़ेगी, ठीक है। अब ये सारे क्लिपर्स तो हुए विदाउट बैटरी, अपन ने इसमें कोई बायसिंग बैटरी यूज नहीं करी है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, उसमें बैटरी भी साथ में लगाएंगे और बैटरी का इफेक्ट क्या होगा आउटपुट पे वो देखेंगे। ये देखिए, माना कि मैंने ये वाला क्लिपर ले लिया, ये कौन सा क्लिपर है, शंट है और नेगेटिव है, तो नेगेटिव शंट क्लिपर है ये, इसको ही ले लिया सेम टू सेम यहाँ पे, पर इसमें मैंने एक बैटरी लगाई है, एक प्लस बी आर रेफरेंस वोल्टेज बोल सकते हैं इसको,
तो बी आर वोल्टेज लगाया इस तरीके से, लगाया ऊपर प्लस नीचे माइनस, मीन्स ये एड कर दिया आउटपुट में, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, ये पॉजिटिव एक बैटरी लगा दी अपने डायोड के सीरीज में, इससे क्या होगा, इसको अगर एनालिसिस करके देखें तो हम देखेंगे कि अगर हमने इनपुट में कोई वोल्टेज नहीं दे रखा है तब भी आपका उस टाइम पे आपका जो ये वोल्टेज, ये बैटरी है, ये डायोड को फॉरवर्ड बायस में करने का काम कर रही है। जब तक कि आपका वोल्टेज इस पॉइंट पे वोल्टेज VR से अधिक नहीं हो जाता तब तक ये फॉरवर्ड बायस में, सॉरी तब तक फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और जैसे इस पॉइंट पर वोल्टेज VR से अधिक होगा ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, ठीक है। तो इस मीन्स ये एक अपर लिमिट हो गई, जिससे ऊपर वोल्टेज जाने पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका इनपुट फॉलो करेगा। चलो ठीक है, उस दृष्टि से तो आपने कई जगह पढ़ा होगा, सभी लोग उसी तरीके से समझाते हैं। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जिस तरह से आपके सामने कोई क्लिपर दे रखा है, तो आप पहले तो